झालावाड़ जिले के भवानी मंडी टीम ने जुलमी तिराहा पिपलिया से नाकेबंदी के दौरान अवैध अफीम डोडा चूरा ट्रक के साथ दो आरोपी गिरफ्तार किए हैं। बता दें ये दोनों आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं। अब गिरफ्तारी के बाद पुलिस इनके पूर्व में कहां कहां इस तरह के मामले में ये दोनों आरोपी लिप्त थे इसकी भी जाँच कर रही है। भवानी मंडी थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक बड़ी खेप मादक पदार्थ की पकड़ी है। इसमें इस तस्करी में प्रयुक्त वाहन ट्रक को भी जब्त किया गया है। वाहन के अंदर उसका ड्राइवर और खलासी दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक के अंदर लहसुन के कट्टों के बीच में अवैध डोडा चूरा के कट्टे भरे हुए थे। लगभग 80-82 कट्टे थे। उनके अंदर से 15 क्विंटल और 18 किलो के आसपास अवैध डोडा चूरा पुलिस ने जब्त किया है। प्रकरण पंजीबद्ध किया जा चुका है। इन आरोपियों के द्वारा पूर्व में इस तरह की कितनी खेपें जिले से ले जाकर आगे सप्लाई की गई उस बारे में हमारा अनुसंधान जारी है। माल को कहां से लेके आए थे, क्या रूट उसमें था और आगे कहां पर ये सप्लाई हो रहा था उस बारे में इन्वेस्टिगेशन अभी किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जयपुर मुख्यालय के निर्देश पर मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। इस पर भवानी मंडी थानाधिकारी महेश सिंह चारण की अगुवाई में कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों का पीछा कर गिरफ्तार किया। मामले की जांच मिश्रोली थानाधिकारी हरवंत सिंह कर रहे हैं। पंजाब केसरी के लिए झालावाड़ से बल बहादुर सिंह की रिपोर्ट।